नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार सिद्दीक कप्पन को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को एक बार फिर हाई कोर्ट में भेजने पर विचार कर रहा है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल इस मामले में कप्पन की पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कप्पन को जमानत मिल जानी चाहिए क्योंकि वे 5 अक्टूबर से ही जेल में हैं। उन पर साफ आरोप नहीं लगाए गए हैं और FIR में उसका जिक्र नहीं है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने पूछा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते। इस पर सिब्बल ने कहा कि कप्पन को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, इस कारण उसकी याचिका में बदलाव नहीं किया जा सका। ऐसे में हाई कोर्ट कैसे जाए। नीतीश कुमार ने 7वीं बार CM पद की शपथ ली है। राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार के साथ कुछ मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और BJP अध्यक्ष JP नड्डा भी मौजूद रहे। कांग्रेस और RJD ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया। नीतीश कुमार के साथ साथ राज्यपाल फागू चौहान ने तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को भी मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने पर बधाई तो दी, लेकिन साथ में उन पर तंज भी कसा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनने की बधाई। आशा करता हूं सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और आप NDA के ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी है, साथ में तंज भी कसा है। उन्होंने कहा है कि आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मनोनीत होने पर शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि कुर्सी की महत्वाकांक्षा की बजाय वो बिहार की जनाकांक्षा एवं NDA के 19 लाख नौकरी, रोजगार और पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई जैसे सकारात्मक मुद्दों को सरकार की प्राथमिकता बनाएंगे। BJP के वरिष्ठ नेता रहे यशवंत सिन्हा ने नीतीश कुमार के बिहार की कुर्सी संभालने पर बेहद तल्ख हमला किया है। यशवंत सिन्हा ने कहा कि BJP अपने दुश्मनों और दोस्तों को तब तक निचोड़ती है जब तक कि उनके प्राण न निकल जाएं, और अभी नीतीश कुमार के साथ ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन जाएंगे, लेकिन सिर्फ नाम के। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने बिहार में महागठबंधन की हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा है। उन्होंने कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि कांग्रेस महागठबंधन के लिए पांव की जंजीर बन गई है। उन्होंने 70 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन 70 रैलियां तक नहीं की। चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, लेकिन प्रियंका गांधी नहीं आई। उन्होंने कहा यहाँ चुनाव अपने पूरे जोर पर था, लेकिन राहुल गांधी शिमला में प्रियंका गांधी के घर पर पिकनिक मना रहे थे। क्या इस तरह से पार्टी चलती है। कांग्रेस ने RJD पर पलटवार करते हुए गठबंधन धर्म की नसीहत दी है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि राजद नेता शिवानंद तिवारी पर लगाम लगाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लेकर गिरिराज सिंह और शाहनवाज हुसैन जैसी भाषा राजद नेता का बोलना हमें स्वीकार नहीं। गठबंधन का धर्म होता है जिसे सभी पक्षों को पालन करना चाहिए। शिवानंद तिवारी के राहुल गांधी पर दिए गए बयान से RJD ने पल्ला झाड़ लिया है। RJD के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि शिवानंद तिवारी ने जो कुछ भी कहा है वह उनकी निजी राय हो सकती है, ये पार्टी का रुख नहीं है। किसी भी विश्लेषण के लिए एक उचित समय और स्थान होता है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास सहयोग और तालमेल में कमी कहाँ है। विधानसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में नया राजनीतिक समीकरण उभर रहा है। एक नई राजनीतिक पार्टी का जन्म होने वाला है। द्रविड़ मुनेत्र कषगम यानी DMK में बड़े समय से उपेक्षित पड़े अलागिरी पार्टी तोड़कर नई पार्टी बना सकते हैं। ये नई पार्टी BJP के साथ मिलकर अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। दिलचस्प बात यह है कि इस राजनीतिक घटनाक्रम के केंद्र में BJP है, जिसके तमाम मूल्य व कार्यक्रम दक्षिण के ब्राह्मण विरोधी तमिल आंदोलन के ठीक उलट रहे हैं। अब वह उसी तमिल आंदोलन की विरासत से निकली राजनीतिक पीढ़ी से हाथ मिलाने को उत्सुक है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली बेंच से सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस UU ललित ने खुद को अलग कर लिया है। जस्टिस ललित ने मामले से खुद को अलग करते हुए कहा कि वो इस मामले की सुनवाई में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि वो वकील रहते हुए YS जगनमोहन रेड्डी की पैरवी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को निर्देश दिया गया है कि वो मुख्य न्यायाधीश जस्टिस SA बोबडे से परामर्श करके इस मामले पर जल्दी सुनवाई करें। बता दें, याचिकाओं में कहा गया था कि रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठ जज जस्टिस NV रमन्ना पर बिना किसी सबूत के गंभीर आरोप लगाए और साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठे बयान दिए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार सुबह अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से अपनी जीत का ऐलान किया है। हालांकि ट्रंप इससे पहले एक मौके पर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन की जीत स्वीकार करते हुए दिख चुके हैं। उन्होंने चुनाव में धांधली होने के अपुष्ट दावे करते हुए ट्विटर पर लिखा था, वह यानी जो बाइडेन जीत गए क्योंकि चुनाव में धांधली हुई है। अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी मॉडर्ना ने दावा किया है कि उसकी कोरोना वैक्सीन 94% से ज़्यादा प्रभावी है। मॉडर्ना के इस दावे ने जल्द ही कोरोना वैक्सीन दुनिया को मिलने की उम्मीद बढ़ा दी है। इसके पहले अमेरिका की ही एक और दवा कंपनी फाइजर ने भी उसकी वैक्सीन के 90% से ज़्यादा प्रभावी होने का दावा किया था। भारत में एक दिन में 30,548 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 435 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 88,45,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,30,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,65,000 से अधिक हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों के बावजूद एक और लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक और लॉकडाउन लगाने की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर दिल्ली से जा चुकी है, अब मामले कम होंगे, त्यौहार भी खत्म हो रहे हैं तो लोगों की भीड़ भी कम होगी। झारखंड सरकार ने कोविड 19 महामारी के चलते पूरे राज्य में नदियों, तालाबों व अन्य जल स्रोतों के तट पर आयोजित होने वाली पवित्र छठ पूजा और पूजा के अवसर पर संगीत कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगा दी है। बता दें, छठ पर्व में चूंकि सभी लोग बड़ी संख्या में आसपास की नदी, तालाब व अन्य जल स्रोतों पर एकत्रित होते हैं और जल में सूर्योदय तथा सूर्यास्त पर स्नान करते हैं, लिहाजा इससे लोगों में कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने की आशंका रहेगी। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।